मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि योजना के 2, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 2, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के 2, मुख्यमंत्री आवास योजना के 2, आयुष्मान भारत योजना के 2, उद्यान विभाग के 2, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक, स्वास्थ्य बीमा योजना के 2 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। उन्होंने कहा, शासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ समाज के हर एक व्यक्ति को मिले। पहले की सरकारों में लोगों को लाभ नहीं मिलता था, ना ही सरकारें इस पर कुछ ठोस कदम उठाती थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में शासन की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, इसी क्रम में श्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्रीमती संजू देवी। अगला क्रम है श्रीमती संजू देवी। मंच पर सामने श्रीमती संजू देवी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हो रही है। आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रही है कृषि विभाग योजना लाभार्थी। पहला नाम कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत है श्री राजन सिंह। आगे कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत श्री राम केवल सिंह तैयार रहेंगे। अगला नाम है श्री तैयार रहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रीमती सुमित्रा। इधर राम केवल जी, इधर देखो सामने, इधर इधर प्रधानमंत्री तैयार रहेंगे श्रीमती सरस्वती। सामने देखिएगा सुमित्रा जी, सामने, अरे सुमित्रा जी। मंच पर सामने है श्रीमती ये चाची, इधर तक मंच पर है श्रीमती सरस्वती। आयुष्मान भारती है श्री सहबाज अहमद। भाई भाई सामने तैयार रहेंगे श्री सरवाज अहमद। पाली हाउस योजना के अंतर्गत श्री अनिरुद्ध मौर्य। मौर्य जी इधर। श्री श्री राम निवास यादव तैयार रहेंगे श्री राम निवास यादव। माँ अंबे महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत श्रीमती कविता चौधरी। महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत श्रीमती रितु देवी। पार्वती महिला स्वयं सहायता के अंतर्गत श्रीमती रितु देवी। स्वच्छ भारत मिशन SBM के अंतर्गत लाभार्थी हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे। सामने मंच पर हैं श्री प्रमोद कुमार पांडे, अगस्त्य पांडे। ₹463 करोड़ की योजनाओं का आज भूमि शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संपन्न हुआ। ये गोरखपुर नगरवासियों के और जनपद वासियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जब से मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, निश्चित रूप से विकास की एक बयार यहाँ पे बह चली है और उसी बयार के तत्वावधान में आज 463 करोड़ की योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इससे हम सब गौरवान्वित हैं और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले विगत 5 वर्षों में जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल है, गोरखपुर एक निश्चित रूप से ऐसा प्रदेश का ऐसा जनपद होगा कि लोग यहाँ पर आके देखेंगे कि गोरखपुर में कौन सा विकास हुआ, इस उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ, ये एक मिसाल बन के हम लोगों के सामने आएगी। आज बहुत से लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान मिले हैं। तमाम लोगों को, गरीबों में
शौचालय वगैरह का भी हुआ है और तमाम बहुत सी परियोजनाएं जैसे सड़कों का जाल बिछा है उसका भी इन्होंने लोकार्पण भी किया है और आगे जो है वो बनाने भी जा रहे हैं, वो भी प्रोजेक्ट्स बहुत से हैं। तो पिछले 2017 में जो उत्तर प्रदेश में जनता ने योगी जी को सरकार बनाया भारतीय जनता पार्टी की, और पिछले 5 वर्षों में जितना कार्य योगी जी ने जिस तत्परता से काम किया, चाहे वह सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह शौचालय के क्षेत्र में हो या मकान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महाराज जी ने जो है बढ़ चढ़ के सब जनता का सहयोग किया। और गुंडा राज तो एकदम समाप्त ही कर दिया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चल रहा था वह समाप्त हो गया। आज पुनः 2022 में जो चुनाव हुई, आम जनता ने ये भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को इसी प्राथमिकता से चुना कि पुनः 5 वर्ष इनको और दे करके खूब अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश का विकास होगा। योगी जी मोदी जी की जो जोड़ी है यह सदैव कायम रहेगी और निरंतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। योगी जी के अंदर एक अच्छी भावना है। आज गोरखपुर में जो पहले गोरखपुर हम लोग देखते थे, आज गोरखपुर क्या है यह हर आदमी देख रहा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे चिड़ियाघर हो, आपका एम्स हो, फर्टिलाइजर जो बनता हुआ है, ये सब खुल गए, एयरपोर्ट का कितना बड़ा विस्तार हुआ, तमाम कनेक्टिविटी हो गई। तो इस तरह से जो है आए दिन एक एक नई नई योजनाएं आती जा रही हैं और विकास होता जा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में, और यह आने वाला 5 वर्ष इससे भी बढ़ चढ़ के योगी जी के नेतृत्व में काम होगा। मैं आम जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि योगी जी में उन्होंने विश्वास किया, मोदी जी में विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। पुनः 2024 में केंद्र सरकार का चुनाव फिर होने जा रहा है और पूरे भारी बहुमत से जनता जो है मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री चुनेगी, बनाएगी। यही मेरी जो है आप सबसे विनती है।